हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं, तत्वों के नाम, परमाणु क्रमांक, उनकी संयोजकता, ये सभी मैं आज इस वीडियो में क्लियर करवाऊँगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो आप बहुत कुछ भूल रहे हैं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा आपको पीरियोडिक टेबल। हाँ, हम आज सिर्फ एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ी है, उसको विस्तार से समझाना है मुझे आपको, ताकि कोई भी दिक्कत आपको पीरियोडिक टेबल में ना रहे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ एस ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, उनके लुईस बिंदु प्रतीक, उनकी संयोजकता, तत्वों के नाम और परमाणु क्रमांक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उनके द्वारा मैं आपको आज समझाऊंगा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम आवर्त सारणी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि जो पुरानी आवर्त सारणी है ना, पुरानी आवर्त सारणी है वो दी थी मेंडलीफ ने। ठीक है, मेंडलीफ ने दी थी पुरानी आवर्त सारणी जो पहले प्रचलित थी, है ना। अब प्रचलित नहीं है ये, अब जो प्रचलित है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आपकी केमिस्ट्री की बुक में है, वो दी थी मोसले ने। ठीक है, ये दो नाम इम्पॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल से संबंधित। ठीक है, पुरानी जो आवर्त सारणी है, ओल्ड पीरियोडिक टेबल जो है वो मेंडलीफ ने दी थी, और नई आवर्त सारणी, आधुनिक या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो दी थी मोसले ने। अब सबसे पहली बात तो पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त होते हैं और कितने वर्ग होते हैं, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आवर्त क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, 7 आवर्त, आवर्त यानी कि आड़ी लाइनें, है ना, इनको हम कहेंगे आवर्त, और खड़े कॉलम जो होते हैं उनको हम कहेंगे वर्ग। ठीक है, आड़ी लाइनें जो होती हैं, क्षैतिज खाने, है ना, आड़ी, तो उनको कहेंगे आवर्त, और जो खड़े कॉलम होते हैं, ऊर्ध्वाधर खाने जो होते हैं, उनको हम कहेंगे वर्ग। तो वर्गों की संख्या 18 होती है और आवर्तों की संख्या 7 होती है, है ना। जो अभी वर्तमान में जो चल रही है आवर्त सारणी, जो मोसले की आवर्त सारणी है, उसमें उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ। अब एस पी डी एफ नाम क्यों रखा गया इनका, क्योंकि इनका, इन तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो एस कक्षक में जाता है। एस कक्षक के, एस ब्लॉक के तत्वों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एस ब्लॉक के तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो एस कक्षक में जाता है, इसीलिए इनका नाम एस ब्लॉक के एलिमेंट पड़ा। पी ब्लॉक में भी कुछ इसी प्रकार से होता है, पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन भी किस में जाता है, पी कक्षक में जाता है, इसीलिए इनको पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। डी और एफ में भी बिल्कुल एज इट इज सेम, है ना, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है, और एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन भी एफ कक्षक में जाता है। तो इसी कारण इनका नाम पड़ गया एस पी डी एफ ब्लॉक। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। तो आज हम सिर्फ एस ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, पी डी और एफ ब्लॉक हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, एस ब्लॉक आज आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, बस आप वीडियो देखते जाइए। ठीक है, तो चलिए, एस ब्लॉक फर्स्ट के एलिमेंट मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया है, इनके संकेत और इनको याद करने के ट्रिक, है ना, सभी के सभी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, इनको अप्लाई कैसे करना है, अब ये जो ट्रिक है, है ना, ये जो है हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ये इन तत्वों को याद करने की ट्रिक है, और ये तत्वों के नाम है। ठीक है, ये नाम है, ये संकेत है, और ये ट्रिक है। तो अब पहले तो हम ट्रिक को देख लेते हैं, ट्रिक के द्वारा हम इन तत्वों के नाम किस प्रकार से याद करें वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, ट्रिक क्या है, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, बहुत ही इजी फनी ट्रिक है, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, है ना। हलीना नाम की कोई लड़की है, उसकी किसी रूबी नाम की लड़की से फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, तो हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप। अब ह का मतलब हाइड्रोजन,
ली का मतलब लिथियम, ना का मतलब सोडियम है ना, एन ए यानी कि सोडियम होता है, की का मतलब पोटेशियम, रूबी मीन्स रूबीडियम, से सी एस से मीन्स सीजियम, और फ्रेंडशिप एफ आर मीन्स फ्रेंशियम या फ्रेंशियम भी कहा जाता है इसको है ना, फ्रेंशियम या फ्रेंशियम। तो देखिए एक बहुत ही आसान ट्रिक के द्वारा हमने इन तत्वों को याद कर लिया है ना। ट्रिक क्या है, ह लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ह हाइड्रोजन, ली लिथियम, ना सोडियम, की पोटेशियम, रूबी रूबीडियम, से सीजियम, फ्रेंडशिप फ्रेंशियम, ठीक है। और इन तत्वों के संकेत भी याद हो गए होंगे है ना, ह ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। अब बात आती है इन तत्वों के परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर याद करने की। तो जिस प्रकार से जो मोसले ने आवर्त सारणी दी थी है ना, वो किसके आधार पर व्यवस्थित है, परमाणु क्रमांक के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर। तो देखिए यहां से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो रही है, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रही है और मोसले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर ही पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत की थी, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 हो जाएगा। अब जो एटॉमिक नंबर याद करने की ट्रिक है, एटॉमिक नंबर याद करने की जो ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कोड वर्ड है 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है इस कोडवर्ड को यहाँ पर इन तत्वों में। देखिए सबसे पहले तो एक परमाणु क्रमांक किसका है, अब एक में 2 ऐड कर देंगे हम, 2 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 3, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 हो जाएगा। अब 3 में ये 8 ऐड करेंगे, 8 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, सोडियम का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 11। 11 में फिर 8 ऐड कर देंगे तो सोडियम पोटेशियम का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 19। 19 में फिर 18 ऐड करेंगे, 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 है ना। 37 में फिर 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55। और 55 में फिर 32 ऐड करेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 87। तो इस प्रकार से देखिए कोड वर्ड के द्वारा हमने इन तत्वों के परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर भी निकाल लिए हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है ना, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप। इस ट्रिक के द्वारा हमने इन तत्वों के नाम को याद करा, और इस कोडवर्ड के द्वारा 2 8 8 18 18 32 इस कोडवर्ड के द्वारा हमने याद करा इन तत्वों के परमाणु क्रमांक को, ठीक है, एटॉमिक नंबर को। तो क्लियर हो गया, एस ब्लॉक फर्स्ट के एलिमेंट्स जो होते हैं, हाँ, इनको एस ब्लॉक फर्स्ट के एलिमेंट कहा जाता है, या वर्ग एक के तत्व कहा जाता है, या इनको क्षारीय धातुएं भी कहा जाता है, ठीक है, बहुत सारे नाम है इनके, क्षारीय धातुएं या वर्ग एक के तत्व या एस ब्लॉक फर्स्ट, क्योंकि एस ब्लॉक है ये, है ना, एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं हम, तो एस ब्लॉक में 2 ब्लॉक आते हैं, 2 है ना, तो 2 वर्ग आते हैं एस ब्लॉक में, 2 वर्ग आते हैं, वर्ग एक और वर्ग 2, ठीक है। तो ये वर्ग एक है, इनको एस ब्लॉक फर्स्ट भी कहा जाता है। चलिए तो इन तत्वों के परमाणु क्रमांक भी आई थिंक आपको याद हो गए होंगे, इन तत्वों को याद करने की जो ट्रिक है वो भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लुईस बिंदु प्रतीक और संयोजकता की, दोनों ही एक साथ में करेंगे क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से लिंक है। चलिए लुईस बिंदु प्रतीक क्या होता है कि जो कोई एक तत्व है उस तत्व के अंतिम कोश में, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई तत्व है उस तत्व के अंतिम कोश में, सबसे लास्ट शेल में है ना, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को उस तत्व के संकेत के चारों तरफ, उस तत्व के संकेत के चारों तरफ बिंदुओं के रूप में दर्शा देते हैं, तो उसको कहते हैं लुईस बिंदु प्रतीक, ठीक है। देखिए समझिए, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे या अंतिम कोश में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका लुईस बिंदु प्रतीक कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये तो हो जाएगा लुईस लिथियम का प्रतीक सिंबल, और इस लिथियम के जो संकेत है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन को मैं इस प्रकार से शो कर दूंगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ये है,
ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट के रूप में, बिंदु के रूप में दर्शा दिया, इसीलिए इसको बिंदु प्रतीक कहा जाता है। लुईस ने दिया था, इसलिए लुईस बिंदु प्रतीक है ना। ये लिथियम का प्रतीक है, Li क्या है, लिथियम का प्रतीक है, सिंबल है, यह बिंदु है, और लुईस ने दिया था, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, लुईस बिंदु प्रतीक। ठीक है, समझ में आ गया। अगर किसी तत्व में अगर दो इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहरी कोश में अगर यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कोई भी तत्व है उसका नाम X है, X नाम का कोई तत्व होता नहीं है, पहली बात तो हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं। ठीक है, अगर इस तत्व के अंतिम कोश में दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक्स नाम के तत्व के अंतिम कोश में दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका लुईस बिंदु प्रतीक कुछ इस प्रकार से बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ। अगर तीन तत्व है तो इसका लुईस बिंदु प्रतीक इस प्रकार से बनेगा, अगर चार तत्व है, सॉरी चार इलेक्ट्रॉन है, तो लुईस बिंदु प्रतीक इस प्रकार से बनेगा। अगर मान लेते हैं कि पांच इलेक्ट्रॉन है इसके अंतिम कक्षक में, है ना, तो देखिए चार तो ये अब जोड़ी बनाना स्टार्ट कर देगा, पांचवा। अगर छह इलेक्ट्रॉन है तो ये छठा इलेक्ट्रॉन हो गया, सात इलेक्ट्रॉन है तो ये सातवां इलेक्ट्रॉन हो गया, आठ इलेक्ट्रॉन है तो ये आठवां इलेक्ट्रॉन हो गया, इस प्रकार से बाद में जोड़ी बनाएगा। पहले हमने ऐसे नहीं लिखा इसको, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, हमने कैसे लिखा, पहले तो चार इलेक्ट्रॉन ये लगाए, फिर पांचवा, छठा, सातवा, आठवा। ठीक है, तो इस प्रकार से बाद में जोड़ी बनाना है, हमें पेयर बाद में बनाना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन है लिथियम के अंतिम कोश में, तो एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शा दिया हमने, क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब लिथियम की संयोजकता हम अगर देखें, तो संयोजकता होती क्या चीज़ है, लुईस बिंदु प्रतीक में देखिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता हो जाएगी। चलिए, लिथियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, लिथियम की संयोजकता एक हो जाएगी, है ना। अब एक लिथियम की संयोजकता एक हो गई, एक कैसे, क्योंकि एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी संयोजकता हो जाती है ना। सोडियम की अगर बात करें, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आप बस वीडियो देखते जाइए, आपका काम है सिर्फ वीडियो को देखना, समझाऊंगा मैं। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, पहले कोश में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में आठ इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये तो सोडियम का प्रतीक हो गया, सिंबल हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन को मैंने इस प्रकार से ये बिंदु के रूप में दर्शा दिया। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को देखिए, है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये, है ना, कोई पेयर नहीं बन रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है, तो सोडियम का, सोडियम की जो वैलेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर पोटेशियम की बात की जाए, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, पहले कोश में दो, दूसरे में आठ, तीसरे में भी आठ, कितने होगा ये 18, और एक इलेक्ट्रॉन और बचा है 19, तो पोटेशियम का लुईस बिंदु प्रतीक कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हम अगर इन सभी का लुईस बिंदु प्रतीक बनाएं, तो रुबिडियम का क्या हो जाएगा, Rb, एक इलेक्ट्रॉन, सीजियम का क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, फ्रांशियम का क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो इन सभी की संयोजकता भी क्या हो जाएगी, देखिए पोटेशियम की संयोजकता 1, रुबिडियम की 1, सीजियम की 1, फ्रांशियम की 1, यानी कि कंक्लूजन ये निकल रहा है यहाँ पर कि एस ब्लॉक फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं, वर्ग एक के जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उन सभी की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखिए संयोजकता प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है, है ना। अब प्लस में कब होगी, माइनस में कब होगी, दिमाग में ये बात चल रही होगी, क्लियर कर देता हूँ मैं। जब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, दान में देंगे किसी भिखारी को, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, दान करते हैं या त्यागते हैं, तो वहां पर प्लस चार्ज आता है, है ना, जब दान करेंगे, और जब ग्रहण करेंगे तो वहां पर आता है माइनस चार्ज, है ना, क्योंकि उस पर कर्ज बढ़ रहा है, भिखारी बन रहा है, मांग रहा है वो किसी से, तो माइनस, और कोई दे रहा है, दान कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो प्लस चार्ज। तो यहां पर देखिए इनका जो अष्टक है, सोडियम का देखते हैं, सोडियम का जो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये इसने डोनेट कर दिया तो ये स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा, आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके सबसे बाहरी कोश में, सबसे अंतिम कोश में। ठीक है, तो आठ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थायी विन्यास है, तो स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा, स्थायित्व प्राप्त कर लेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करेगा। अभी ये बैलेंस नहीं है, दो आठ एक, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को दे दे तो स्टेबल हो जाएगा, बहुत ही स्थायी हो जाएगा।
ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, और एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा तो आपने देखा होगा Na प्लस होता है ना, K प्लस होता है, Li प्लस होता है, इनकी संयोजकता प्लस वन होती है। लिथियम की संयोजकता प्लस वन, सोडियम के प्लस वन, पोटेशियम के प्लस वन, रुबिडियम के प्लस वन, सीजियम के प्लस वन, फ्रंशियम के प्लस वन। इसी प्रकार से जो एस ब्लॉक फर्स्ट है उन सभी की संयोजकता क्या होती है, प्लस वन होती है। क्लियर हो गई बात। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कोई तत्व, तो उनकी संयोजकता माइनस में होगी, है ना, आगे हम पढ़ेंगे। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में माइनस में भी होगी। तो एस ब्लॉक फर्स्ट के एलिमेंट के तत्वों के नाम, परमाणु क्रमांक, लुईस बिंदु प्रतीक और संयोजकता, इन सभी को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है सिर्फ एक ही वीडियो में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं वर्ग दो के तत्वों के बारे में, है ना, एस ब्लॉक सेकेंड के एलिमेंट्स के बारे में। एस ब्लॉक सेकेंड के एलिमेंट्स को याद रखने की ट्रिक क्या है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ओहो, बाप बहुत बहुत अच्छा होगा, बाप भैया तो ही राजी हो गया, नहीं तो कौन मानता है आजकल, है ना, कार भी मांग रहा, स्कूटर भी मांग रहा, फिर भी राजी हो गया भैया बाप। चलिए तो ये ट्रिक है, फनी ट्रिक है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। चलिए अब इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है, देखिए, बेटा बीई बेरिलियम, मांगे एमजी मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, कार सी ए कैल्शियम, स्कूटर एस आर स्ट्रॉनशियम, है ना, स्ट्रॉनशियम है, बाप बी ए बेरियम, राजी आर ए रेडियम। चलिए अब इनके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर याद करने की ट्रिक वो है 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32। चलिए अब जो फर्स्ट एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का, किसी भी वर्ग का, उनके उन तत्वों के परमाणु क्रमांक आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 4 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, लिथियम का 3 होता है, ठीक है। तो बेरिलियम का 4 परमाणु क्रमांक है। अब 4 में हम कितने ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे 8 ऐड करेंगे, है ना, 8 जोड़ देंगे, तो 4 में 8 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 12, है ना, 12 में फिर 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 20, 20 में 18 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 38, 38, 38 में फिर से 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 56, और 56 में 32 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 88, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इन तत्वों के परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर याद करने का कोड वर्ड हो जाएगा 8 8 18 18 32, ठीक है, क्लियर हो गया। याद करने की ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉनशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। और इन तत्वों को याद कर, इन तत्वों के परमाणु क्रमांक याद करने का कोड वर्ड है 8 8 18 18 32। चलिए अब इन तत्वों का लुईस बिंदु प्रतीक और संयोजकता देख लेते हैं हम। सबसे पहले बेरिलियम की देख लेते हैं, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, पहले कोश में 2, दूसरे कोश में और अंतिम कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हो गया बेरिलियम का संकेत, है ना, प्रतीक, और 2 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तो देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो बेरिलियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। मैग्नीशियम का देखते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8 और अंतिम कोश में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 और 2 10 और 2 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन है टोटल और अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम का जो लुईस बिंदु प्रतीक है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इनकी संयोजकता भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब अगर बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में फिर 8 और अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, हो गए 20 बराबर। चलिए अब कैल्शियम का परमाणु कैल्शियम का जो संकेत होता है वो ये होता है Ca, और 2 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से शो कर दिया डॉट के रूप में, तो कैल्शियम का की जो वैलेंसी है, कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो हो जाएगी 2। इस प्रकार से सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे अंतिम कोश में। स्ट्रॉनशियम का लुईस बिंदु प्रतीक इस प्रकार से, बेरियम का इस प्रकार से, रेडियम का इस प्रकार से,
यह हो गया लुईस बिंदु प्रतीक एस ब्लॉक सेकंड के एलिमेंट्स की। ठीक है, अब इनकी संयोजकता देखें तो एस आर की भी 2, बी ए की भी 2 और आर ए की भी 2। अब प्लस में या माइनस में देखिए इनका जो अष्टक है वो कंप्लीट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, है ना, स्थायी विन्यास हो जाएगा, अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो स्टेबिलिटी आ जाएगी इनमें। तो यहां पर क्या होगा, बेरिलियम प्लस टू, कैल्शियम भी प्लस टू, स्ट्रॉनशियम सभी में प्लस टू, यानी कि इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, प्लस टू। ठीक है, तो एस ब्लॉक फर्स्ट के एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो प्लस वन होती है, और वर्ग दो या एस ब्लॉक सेकेंड की जो वैलेंसी होती है वो प्लस टू होती है, जिस प्रकार से आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक वर्ग दो या एस ब्लॉक सेकंड के एलिमेंट को याद करने की ट्रिक बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, और इनके परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर को याद करने का जो कोड वर्ड है 8 8 18 18 32, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इन तत्वों के नाम संकेत और इन तत्वों के नाम याद करने की ट्रिक, परमाणु क्रमांक याद करने का कोडवर्ड, लुईस बिंदु प्रतीक और संयोजकता, सभी के सभी आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मैं आपको फिर से समराइज करवा देता हूं वर्ग एक और वर्ग दो के एलिमेंट्स। चलिए सबसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, है ना, वर्ग एक। वर्ग दो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनशियम, बेरियम और रेडियम। अब वर्ग एक के जो तत्व है इनको याद करने की ट्रिक क्या है, ह ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, वर्ग दो के तत्वों को याद करने की ट्रिक बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, अब वर्ग एक के तत्वों के परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर याद करने की ट्रिक क्या है, वर्ग एक के लिए देखिए 2 8 8 18 18 32, और वर्ग दो के तत्वों को याद करने की ट्रिक है 8 8 18 18 32। ठीक है, वर्ग एक के तत्वों को इस कोड वर्ड के द्वारा याद करेंगे 2 8 8 18 18 32, वर्ग दो के तत्वों को इस कोड वर्ड से 8 8 18 18 32। तो इस प्रकार से वर्ग एक और वर्ग दो, इन दोनों वर्गों के तत्वों के नाम, परमाणु क्रमांक, लुईस बिंदु प्रतीक और संयोजकता, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ गाइज, एक लाइक तो आपका बनता ही है इस वीडियो पे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अगले वीडियो में भी बने रहिएगा मेरे साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।